ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, अरबा कंपनी की है, और अपने पास ये KM7 की है ये। और जैसे कि इसमें बहुत सारे टेस्ट लग जाते हैं अपने, जैसे ये हो गया ग्लूकोज, हो गया कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एज भी लगा सकते हैं, बिलिरुबिन, नहीं ये एल्बुमिन, प्रोटीन, एजीओटी, एजीपीटी, और यूरिया, क्रिएटिनिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ऐसे बहुत सारे टेस्ट अपन लगा सकते हैं इसमें। और चालू करने का ये रिसेट का बटन है, बाकी जब प्रोग्राम चालू करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक बता देता है। और यहाँ से अपन ये पानी पिलाते हैं वॉश करवाने के लिए। और ये अपने हैं मिसपा आई टू, ये भी बहुत मस्त मशीन है। इसमें हम HbA1c से लगाते, CRP, डाइमर, फेरेटिन वगैरह, बहुत मतलब स्पेशल टेस्ट लगते हैं, अच्छी मशीन है, ये भी मिसपा आई टू है। और उसके बाद हमारे पास एक मशीन और है, जैसे कि ये दिख रहा है अपना आईक्रोमा 2, ये भी बहुत बेस्ट है। इसमें हम विटामिन डी लगाते हैं, और CRP भी लगा सकते हैं, IL-6 लगाते हैं, थायराइड प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, इसमें TSH लगाते हैं, और प्रोलेक्टिन हो गया, डी डाइमर हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट लगते हैं। ये अपना ABG का मशीन है, ये सीमेंस कंपनी की है, ये भी बहुत बढ़िया मशीन है। और उसके बाद अपने ये माइक्रोस्कोप हैं, जैसे कि जो अपन आँखों से देख नहीं सकते तो हम इसमें स्लाइड बनाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कुछ, जैसे कि यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं, RBC देखते हैं, पसेल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा जा सकता है, जो चीज़ अपन आँखों से नहीं देख सकते ना, वो इसमें माइक्रोस्कोप द्वारा हम देखते हैं। जिससे कि इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, पीछे बटन रहता है, चालू करते यहाँ पे इस जगह पे स्लाइड रखना रहता है, जो ये बना है ना, तो इसमें इसके द्वारा अपन इसको मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं इसको, और इसके द्वारा ये जो ये है कंडेंसर, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि क्लियर देखने के लिए, जूम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ये आगे पीछे करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। और ये लेंस लगे होते हैं, तो जैसे कि अपने पास ऑयल का एक, ये ऑयल का है, ये 100x का है, नहीं ऑयल वाला 100x का है, हाँ, और ये 40x का है, ये लिखा हुआ है इसमें 40x, और इसी तरह ये 10x का है, ये 4x का है, इस तरह हम इसका यूज करते हैं, जिसमें जो देखना रहता है उसमें देखते हैं। और ये अपने नॉइस है, आँखों से देखने के लिए इसके अंदर देखा जाता है, चालू करते हैं जब, और ये अपना कंप्यूटर, इसमें अपन रिपोर्टिंग निकालते हैं, और ये अपना मेन चीज है इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अपन टेस्ट लगाते हैं, जिसका 5 मिनट 10 मिनट का इंक्यूबेशन टाइम होता है रखने का, तो हम इसमें रिजेंट डाल के सैंपल की पूरी प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद हम रीडिंग लेते हैं रिजल्ट, जो भी टेस्ट लगाते हैं वो। और कुछ चीज़ें जैसे वॉश हो गए, वे जो वॉश करवाते हैं तो अपन थोड़ी देर सूखने के लिए इसमें डाल देते हैं, तो सूख जाते हैं, फिर अपन बस ये। और ये अपना मेन बॉस SysMax X100 ट्रांसेशिया की कंपनी का है, SysMax की कंपनी है।